हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मिनी स्कूल टुडे वी विल डू बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर अ लिटिल फिश स्टोरी क्लास थर्ड इंग्लिश सो चिल्ड्रन लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स करेंगे सो चिल्ड्रन सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे फ्लॉन्ड्रिंग फ्लॉन्ड्रिंग मीन्स स्ट्रगलिंग इन वाटर टू कम आउट ऑफ समथिंग किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए वाटर में स्ट्रगल करना जो फिशेज होती हैं वो जब नेट में फंस जाती हैं तो बाहर निकलने के लिए वाटर में छटपट आती हैं नेट से बाहर निकलने के लिए तो उसे फ्लॉन्ड्रिंग कहा जाता है फ्लॉन्ड्रिंग मीन्स लड़खड़ाना या फिर छटपटाना मैसेज मैसेज होता है जाली अ नेटवर्क ऑफ वायर और थ्रेड जब नेट तैयार करने के लिए नेट बनाने के लिए वायर और थ्रेड से एक जाली तैयार की जाती है तो उसे मैसेज कहा जाता है हॉल टू पुल विद पावर ढोना किसी वेट को उठाना या फिर ढोना कंटेंटेड सेटिस्फाइड संतुष्ट एम्प्टीड टू रिमूव खाली करना रिगल ट्विस्ट एंड टर्न मोमेंट रेंगना जब फिश वाटर में रेंगती हैं टेढ़ा मेढ़ा तो उसे रिगल्ट कहा जाता है नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन क्वेश्चन नंबर वन हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी समुद्र में कितनी मछलियाँ हैं आंसर देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन सी समुद्र में लाखों मछलियाँ हैं वन मिलियन होता है टेन लाख का तो ग्रेट मैनी मिलियन लाखों मछलियाँ हैं क्वेश्चन नंबर टू वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी जो छोटी फिश थी वो खुश क्यों नहीं थी आंसर द लिटिल फिश वॉज़ अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल जो छोटी फिश थी वो कोशिश लेनी थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट हैपन टू द फिश वन डे एक दिन फिश के साथ क्या हुआ या फिर फिश को क्या हुआ वन डे द फिश कॉट कॉट इन अ बिग नेट वाइल्ड स्विमिंग इन द सी विथ हिज फ्रेंड एक दिन जो छोटी सी फिश थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग कर रही थी तैर रही थी तो उसी दौरान वो एक बड़े से नेट में फंस जाती है या फिर एक बड़े से नेट में पकड़ी गई कॉट मीन्स पकड़ना तो पकड़ी गई क्वेश्चन नंबर फोर वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश जो छोटी फिश थी वो अपने छोटे होने के लिए थैंकफुल क्यों थी आंसर द फिश वॉज़ थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश बिकॉज़ ही वॉज सेव्ड ओनली ड्यू टू हिज स्मॉल साइज़ तो जो छोटी फिश थी अपने साइज के लिए अपने छोटे होने के लिए थैंकफुल इसलिए थी क्योंकि वो छोटे होने के कारण अपने छोटे साइज़ के कारण ही बच पाई थी नेक्स्ट है टॉक टाइम इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश डिस्क्राइब वट यू माइट सी अराउंड यू इमेजिन करो कि आप एक छोटी फिश हो तो आप अपने चारों तरफ क्या देख सकते हो आंसर देयर आर आर अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर अराउंड मी मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैला हुआ पानी है तो यहाँ पर वास्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपेंस फैला हुआ चारों तरफ बहुत दूर दूर तक फैला हुआ पानी ऑल्सो ए नंबर ऑफ़ फिश स्मोल एंड वेग स्विम स्विम अराउंड में और मेरे चारों तरफ बड़ी और छोटी फिश क्या है तैर रही हैं देर आर सेवरल बोट्स सेलिंग ऑन द वॉटर और यहाँ पर जो है बहुत सारे कई जो बोट्स हैं वो तैर रही हैं पानी में सेवरल फिशरमैन आर कमिंग टूवर्ड्स अस सैरल होता है कई बहुत सारे फिशरमैन जो हैं मछली पकड़ने वाले वो मेरी तरफ आ रहे हैं विद दियर बिग नैट्स और अपने बिग बड़े से नेट्स को लेके हमारी तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से भी आंसर लिख सकते हैं कि इमेजिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अगर छोटी फिश हो तो आप अपने चारों तरफ क्या क्या चीज़ें देख सकते हो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं जैसे कि बहुत सारा वाटर देख सकते हो आप अपने चारों तरफ और बहुत सारी फिशेज़ देख सकते हैं बड़ी और छोटी की जो चारों तरफ तैर रही हैं और बहुत सारे बोट्स हैं जो पानी में शैल कर रहे हैं सेबरल फिशरमैन आर कमिंग टूर्ड्स अस विद विग नैट्स और बहुत सारे फ़िशरमैन हैं जो कि मे हमारी तरफ आ रहे हैं अपने बड़े से नेट्स के साथ तो यहाँ पर आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं नेक्स्ट yeah. है वर्ड बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर वन लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं तो आपको एक वर्ड दिया है जैसे लुक का लुक का है लुग्ड लुक की पास्ट फॉर्म होती है लुग्ड जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की तो लुक मीन्स देखना लुक्ड देखा तो यहाँ पर लुक की सेकेंड फॉर्म है लुक्ड तो ऐसे ही पिक की पिक्ड बाग्ड वॉन्ट वॉन्टेड टॉक टॉक्ड विश विश्ड पुल पुल्ड और हेल्प हैल, हेल्ब तो आप इनको ऐसे लिखेंगे जैसे लुक का लुक्ड है तो आप पिक का लिखेंगे पिग्ड बार्क बार्ट वॉन्टेड टॉक टॉक्ड विश विश्ड पुल पुल्ड और हेल्प help, हेल्प ऐसे ही आप अपनी बुक में से फिल करेंगे क्वेश्चन नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं पेपर फ्लार्स वाटर मैचिज कागज और होल्ड तो यहाँ पर कुछ स्पेस दिया है जहाँ पर आपको फिल करना है अ ग्लास ऑफ आप लिखेंगे वाटर अ बंच ऑफ अ बॉक्स ऑफ मैचिज अ शीट ऑफ पेपर अ हर्ड ऑफ काउज और अ पैक ऑफ वल्फ तो आप इसको ऐसे फिल करेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर अ बंच ऑफ फ्लास्क आपको बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं तो आप यहाँ से वर्ड्स लेके इनको यहाँ पर फिल करेंगे अ बॉक्स ऑफ मैसेज अ हर्ड ऑफ़ काउज अ काउ्जीट अट ऑफ पेपर अ पैक ऑफ उल्फ तो ऐसे ही आपको भी अपनी बुक में फिल करना है नेक्स्ट है लेट्स राइट लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज If I were only larger, how much happier I could be! तो यहाँ पर सेंटेंस दिया है तो ऐसे ही सेंटेंस आपको नीचे बनाने हैं मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स तो यहाँ पर कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं तो इनको यूज करके आपको इन सेंटेंस को बनाना है जैसे यहाँ पर लिखा है इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच happier आई कुड बी तो अगर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश हो सकता था तो यहाँ पर नीचे ऐसे ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं जैसे इफ़ आई वर ओनली डैस हाउ मच I आई be तो आप यहाँ पर टॉलर लिख सकते हैं ऐसे ही आप नीचे आपको सेम सेंटेंसेस बनाने हैं इफ़ आई वर ओनली तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड be तो ऐसे ही आप आगे इसको कंप्लीट करेंगे जैसे यहाँ पर है इफ़ आई वर ओनली तो आप यहाँ पर लिखेंगे थिनर सेकेंड नंबर में फर्स्ट में आप डॉलर लिखेंगे तो सेकेंड में आप लिखेंगे यहाँ पर थिनर और आगे आपको सेंटेंस ऐसे ही लिखना है हाउ मच हैपियर आई कुड बी तो ऐसे ही आप नीचे सारे सेंटेंसेस फिल करेंगे जैसे यहाँ पर दिए हैं टॉलर थिनर स्मॉलर क्लेवर यंगर और ओल्डर तो आप ऐसे ही फिल करके सेम सेंटेंसेस बनाएंगे नेक्स्ट है से अलाउड जो से बोलो ब्लेंडर वंडर थंडर ब्लेंडर और फ्लॉन्डर नेक्स्ट है सॉन्ग टाइम सिंगिंग और क्राइंग गा रहे हो या फिर रो रहे हो महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग महेश एक छोटा गाना गाता है बैंकटेश लुक सेट हिम बेंकटेश उसे देखता है वाई आर यू क्राइंग महेश ही आस्क वह पूछता है महेश तुम क्यों रो रहे हो महेश सेज महेश कहता है आई एम नॉट क्राइंग मैं नहीं रो रहा हूँ आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग मैं एक इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ चूज द राइट वर्ड्स तो यहाँ पर टू वर्ड्स दिए हैं आपको यहाँ पर राइट right वर्ड्स लिखना है महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग तो आप लिखेंगे लिटिल सॉन्ग बेंगटेश लुक्स एट हिम तो आप साउड्स और लुक्स में से लुक्स लिखेंगे थर्ड है वेंकटेश थिंग्स महेश क्राइम तो जो बेंकटेश था उस वो सोच रहा था कि जो महेश है वो रो रहा है महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग सिंगिंग और सेंग में से आप लिखेंगे सिंगिंग दोंग इज़ इन इंग्लिश या फिर तेलुगु तो आप लिखेंगे इंग्लिश तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंग्लिश तो ऐसे ही आप भी अपनी बुक में फिल करेंगे सो so चिल्ड्रन आज की इस वीडियो में हमने अ लिटिल फिश स्टोरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग्स और बुक एक्सरसाइज को कवर किया लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं या फिर आप प्ले में भी देख सकते हैं आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू